guys, what's up? Welcome back to my channel. कैसे हो आप लोग? I am so excited for today's video because you guys, अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, यू वुड नो दैट मैं एक सीरीज़ करती थी विच वॉज व्हाट्स न्यू इन अफोर्डेबल, एंड मैं एक्सट्रीमली अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स आपको उस सीरीज़ में दिखाती थी. दिस वीडियो इज़ एग्जैक्टली दैट. आई हैव लिपस्टिक्स अंडर 100 रुपीज़ एंड आई शेडो पैलेट जिससे मैंने आई लुक क्रिएट किया है विच इज़ बॉम्ब फ्रॉम SFR. सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस. और ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स मैंने खरीदे हैं शॉपसी से. आई हैव बिन हियरिंग अबाउट शॉपसी अ लॉट लेटली, तो मैंने सोचा ट्राई आउट करके देखना चाहिए प्रोडक्ट्स. By the way, they have literally everything on the platform, चाहे clothing हो, electronics हो या beauty. And since we do beauty, तो इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ beauty वाले segment से shopping करी है. And I was shocked when I saw the prices of the product. In fact, मैंने Just Herbs का eyeliner भी मंगाया and that was also on such a steal deal. Like I was crazy when I saw all the products and I was like, ये भी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए मुझे. I got a few products to try out, but अगर आप मुझे बोलोगे आई विल ट्राई आउट मोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम शॉपसी, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना. और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना. एंड विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट, ये थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा है मुझे वीडियो, बिकॉज आई हैव आई शेडो पैलेट फ्रॉम SFR एंड आई हैव लाइक रियली नाइस अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स. शॉपसी पे आप चाहे क्लोदिंग लो, इलेक्ट्रॉनिक्स लो, मेकअप लो, एवरीथिंग इज जस्ट सो अफोर्डेबल एंड इनएक्सपेंसिव. सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर ऑल ऑफ दीज वीडियोज, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन विच आई जस्ट शोड. ये है SFR का विद लव फॉर यू प्रेस्ड पिगमेंट पैलेट. सबसे पहली चीज़, इग्नोर दिस मैस, बिकॉज ये मैं करते वक्त मैंने पता नहीं कैसे इस वाले पैन में भी ब्रश मार दिया. बट दिस पैलेट, जस्ट आप देख करके बताओ कितना सुंदर पैलेट है. स्पेशली ये जो दो शिमर शेड्स है ना, ये वाला और ये वाला, बहुत 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 सुंदर है. यू कैन इवन यूज़ दीज एज योर हाइलाइटर्स. बहुत प्यारा शीन है एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव यूज्ड ऑन माय आईज. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये ब्राउन और ये पिंक कलर को मिक्स करके मैंने अपना ट्रांजिशन कलर बनाया एंड देन आई यूज्ड दिस कलर ऑन माय आईलिड, जो कि आप शिमर शेड देख रहे हो अभी. आई वाज रियली टेम्पटेड टू यूज़ दिस ग्लिटर क्योंकि ये बहुत सुंदर लग रहा है, बट आज मैंने यूज़ नहीं किया. लेट मी जस्ट क्विकली स्वॉच दिस फॉर यू गाइज, क्योंकि ग्लिटर यूज़ करने के लिए थोड़ा सा ग्लू की ज़रूरत पड़ती है. हाउएवर दिस हैज़ स्टार्स इन इट. That's nice. I regret that I didn't use it. Okay, can you see it has stars also? And ये self sticking है which is great. And how beautiful the pigment is. ये सिर्फ एक swatch में आपको इतना अच्छा glitter मिल जाएगा. So you can just tap and आप अपने eyelids पर easily इसको लगा सकते हो. I also used the blush here on my cheeks. और ये भी बहुत ज़्यादा pigmented है. And they are really fine and soft. बहुत soft है और बहुत fine है. This is the blush. बहुत ही प्यारा सा baby pink color है. It also has a highlighter in this. So basically पैलेट दिखने में छोटा है, आई मीन यू जस्ट हैव 6 कलर्स ब्लशर एंड हाईलाइटर, बट यू कैन डू सो मच मोर विद दिस. मैंने इनफैक्ट इस ब्राउन कलर को एज अ ब्रॉन्जर यूज़ किया है. आई लव दिस मॉव कलर. इसको क्रीज में यूज़ करके इसको लिड पे यूज़ करो, बहुत सुंदर लगेगा. एंड गेस वॉट, दिस पैलेट वॉज जस्ट फॉर 169 रुपीज़. आई Honestly, I am blown away right now because ये जो दो shimmer shadows दिख रहे हैं ना, सिर्फ इन दो shimmer shadows के लिए मैं इस आई शेडो पैलेट को खरीद सकती हूँ. एंड इट्स लाइक ऑल इन वन पैलेट. आप इसको ट्रैवल करते वक्त कैरी कर सकते हो. समथिंग दैट आई वुड हाईली 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 रिकमेंड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम श्रायन. दिस इज देयर सॉफ्ट टच बेक्ड हाईलाइटर एंड ब्लशर. 01 शेड में है. दिस इज बेसिकली जस्ट हाईलाइटर. यहाँ पर आपको दो हाईलाइटर्स मिल जाते हैं, सिल्वर में और गोल्ड में. अगर आप मीडियम टू डीप स्किन टोन के हो तो आप गोल्ड यूज कर सकते हो, अगर आप फेयर स्किन टोन के हो तो आप ये सिल्वर वाला यूज कर सकते हो. आई एक्चुअली यूज बोथ ऑफ दीज कलर्स एंड इनका भी अगर मैं पिगमेंटेशन दिखाऊँ, इसमें कोई चंकी पार्टिकल्स नहीं है, बट द पिगमेंटेशन इज रियली रियली गुड. आप देख सकते हो एंड यू गेट दैट शीन ऑल्सो. दिस इज वॉट आई हैव ऑन माई फेस राइट नाउ. आप देख सकते हो माई स्किन इज ग्लोइंग. आज मुझे वो 2016 वाला टाइम याद आ गया जब सबको हाईलाइटर चाहिए था जो कि डिस्को बॉल बना दे आपको, जो आप अच्छे से अगर अप्लाई करोगे इट विल गिव यू अ रियली नाइस ग्लो एंड शाइन. दिस इज वॉट आई हैव. तो मैंने क्या किया था, पहले दोनों को मिक्स करके हाईलाइटर अप्लाई किया एंड देन आई यूज माई ब्लश ब्रश अगेन टू जस्ट मिक्स एवरीथिंग इन, सो दैट जो भी लाइन्स है ना, सो दैट हार्श लाइन्स ना रहे एंड देयर इज जस्ट ब्यूटिफुल ग्लो ऑन माई फेस.
दिस इज जस्ट फॉर 194 रुपीज, और आपको यहाँ पे दो हाइलाइटर्स मिल जाते हैं जिनको आप एज आई शेडोज भी यूज कर सकते हो, और दोनों का ही पैन साइज अगर आप देखोगे ना, इट इज ह्यूज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम जस्ट हर्ब्स, एंड ये है जस्ट हर्ब्स का आई लाइनर इन ब्लू कलर. ऑलमोस्ट सारे शेड्स अवेलेबल थे, आई जस्ट लाइक्ड दिस ब्लू कलर तो इसलिए मैंने ले लिया. दिस इज इन द शेड इलेक्ट्रिक ब्लू. वैसे तो इसकी MRP 295 रुपीज़ है, बट ऑन शॉपसी आई गॉट इट जस्ट फॉर 221 रुपीज़, एंड द कलर पे ऑफ इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. मेरे पास इसमें ना एक ब्रॉन्ज कलर भी है जस्ट हर्ब्स का, एंड क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद था इसलिए मैंने सोचा इसको भी मंगा लिया जाए. एंड जस्ट लुक एट द कलर, कितना सुंदर, कितना प्यारा ब्लू कलर है ये. मैंने इसको आज अपनी आईलिड्स पे यूज़ नहीं किया, बट आई विल ट्राई दिस आउट वेरी वेरी सून, एंड मैं एक वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी माई थॉट्स ऑन जस्ट हर्ब्स आई लाइनर. आज मैंने ब्लैक आई लाइनर यूज़ किया है, एंड दैट इज अ पेन आई लाइनर जिसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अमेजिंग लगी थी, एंड आई गॉट इट फ्रॉम शॉपसी अगेन. एंड दिस इज ये वाला आई लाइनर, बहुत ही प्यारा सा फेदर वाली पैकेजिंग है इसकी, देख सकते हो आप. एंड इट्स अ स्केच आई लाइनर, एंड इसका पिगमेंटेशन भी काफी अच्छा है, इट्स नाइस एंड जेट ब्लैक. दिस वन इज फ्रॉम किस ब्यूटी, एंड ये मुझे मिला है फॉर जस्ट 135 रुपीज, एंड इसका कलर पे ऑफ मुझे बहुत अच्छा लगा, प्लस दिस इज वाटर प्रूफ एंड ट्रांसफर प्रूफ एज वेल. सो फॉर 135 रुपीज आई थिंक इट्स अ रियली नाइस स्केच आई लाइनर. आज मैंने यही यूज किया है अपने आई लिड्स पे, एंड आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा एकदम फाइन विंग लाइनर बना है, एंड इट्स रियली नाइस एंड ब्लैक. जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी ना, आई यूजली मेस अप जब भी मैं इनर कॉर्नर में पुल करने की कोशिश करती हूँ आई लाइनर को, बट विद दिस इट वॉज रियली ईजी, और मैंने काफ़ी आसानी से इनर कॉर्नर्स में अपने लाइनर को पुल कर पाया. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन अफोर्डेबल पेन आई लाइनर, आई थिंक यू कैन गिव दिस वन अ ट्राई. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द एक्साइटिंग पार्ट विच आर द लिपस्टिक्स. आई गॉट अ फ्यू लिपस्टिक्स, लाइक एक ही सिंगल में लिए मैंने, एंड आई गॉट अ सेट. इसके बारे में जब मैं बताऊंगी ना तुम लोग हिल जाओगे, बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली इनएक्सपेंसिव. तो सबसे पहले ये वाली लिपस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं. इट्स अ सिगरेट लिपस्टिक फ्रॉम श्राइन, दिस इज कॉल्ड स्मोकिंग हॉट मैट लिपस्टिक, एंड पैकेजिंग इसकी ना बहुत ही मस्त है, पतली सी है, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल रेड शेड, आप देख सकते हो. इट इज नॉट ट्रांसफर प्रूफ, बट ये बहुत अच्छी सी क्रीमी लिपस्टिक है जिसका फिनिश मैट है. इट्स काइंड ऑफ अ टमाटरी रेड कलर, एंड आई लाइक इट. सो मैंने क्या किया है, अभी इस वाले सेट में से मैंने एक लिपस्टिक लगाई हुई है, एंड उसके बाद सेंटर में मैंने इसको हल्का सा लगाया टू गिव दैट कोरियन लिप्स काइंड ऑफ एन इफेक्ट. बट आप स्क्रीन पे भी देख रहे होगे, इसको मैंने कंप्लीट लिप्स पे भी लगाई हुई है. इट इज नाइस एंड पिगमेंटेड. आई विश ये थोड़ा सा और पिगमेंटेड हो सकती थी, बट फॉर द प्राइस आई रियली कैन नॉट कंप्लेन. ये मुझे मिली है फॉर 103 रुपीज ओनली. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज ऑल्सो द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल इज दिस चिप एंड डेल न्यूड एडिशन नॉन ट्रांसफर लिक्विड मैट मिनीज. ये चार लिपस्टिक्स का सेट है, एंड गेस व्हाट द प्राइस इज. दीज फोर लिपस्टिक्स यू विल गेट फॉर 58 रुपीज. यस, जब मैंने देखा था मुझे भी लगा था शायद मैं गलत देख रही हूँ, सो लेट मी जस्ट ट्राई इट आउट, एंड आई was wrong. I thought एक lipstick आएगी for 58 rupees, but there are four lipsticks, four mini lipsticks that you get for 58 rupees. चारों के चारों shades ना काफ़ी सही हैं, and almost सारे skin tones पे चल जाएंगे. Why I'm telling you this? So these are the four lipsticks, and I think ये all skin tones के लिए चल जाएगा. आप कहोगे कि ये वाला shade बहुत light है, I would suggest light shade को dark shade के साथ में mix कर लो. If you have a lot of friends, तो आप लोग आप आपस में बांट भी सकते हो. So you have a pinky nude color, you have a dark brown color, you have a corally brown color, and ye wala color bhi ऑरेंजिश ब्राउन में ही आता है. सो इसमें और भी कलर्स थे, लाइक यू हैव अ रेड एडिशन ऑल्सो जहाँ पर सारे रेड टोन्स मिल जाएंगे आपको. एंड फॉर 58 रुपीज आई थिंक आई रियली कैन नॉट कंप्लेन. दिस इज व्हाट आई हैव ऑन माय लिप्स, पिंक वाला शेड ये वाला यूज़ किया था मैंने, एंड इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल. एंड आई थॉट क्योंकि 58 रुपीज में चार आई हैं तो लिपस्टिक का फॉर्मूला अच्छा नहीं होगा. Trust me, the formula is also very nice, creamy sa formula hai, and they are pretty comfortable on the lips. Like mere lips ko bilkul bhi dry out nahi kar rahi hai ye lipstick, so it's a thumbs up from my side. So that was it for the haul. I really liked all the products that I got from Shopsee. Sare ke sare products affordable hone ke sath sath kafi acche bhi hain, and I really want to try more products. Agar aap bhi inme se kuch bhi products try karna chahte ho to link main description box mein dal dungi, make sure to check them out. Aap
Jobsy का ऐप डाउनलोड कर सकते हो एप्पल स्टोर से या फिर प्ले स्टोर से, लिंक मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आई थिंक इट इज़ अ मस्ट ट्राई, द वेबसाइट इज रियली ईजी टू यूज़, इंटरफेस भी काफ़ी आसान है एंड सारी कैटेगरीज बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सो नॉट जस्ट मेकअप, यू कैन चेक आउट द क्लोदिंग एंड बैग्स, एक्सेसरीज, वो वाला सेगमेंट भी आप चेकआउट कर सकते हो। इन फैक्ट मैं सोच रही हूँ बजट मेकओवर चैलेंज एपिसोड 2 मैं Jobsy से ही करूँ। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हो तो मुझे कमेंट करके बताना एंड आई वुड लव टू डू एन एपिसोड 2 ऑफ बजट मेकओवर फीचरिंग Jobsy। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।